उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे राउंड की मतगणना का रिजल्ट आ रहा है। जेडीयू प्रत्याशी कलांधर मंडल को 17,303 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को 12,950 वोट मिले हैं। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को 7,856 वोट मिले हैं। जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल 4,353 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार तीसरे नंबर पर चल रही है बीमा भारती, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीमा भारती नंबर तीन पर चल रही है, जबकि जेडीयू प्रत्याशी नंबर एक की पोजीशन पर चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। कलाधर मंडल को 17,303 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह दूसरे नंबर पर चल रहे हैं 12,950 वोट के साथ। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की बात करें तो 7,856 वोट मिले हैं और तीसरी पोजीशन पर चल रही है। जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल 4,353 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। कुमार प्रवीण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जो स्थिति लगातार कही जा रही थी प्रवीण, वही हो रही है। जेडीयू इस पूरे मुकाबले में आगे, आरजेडी पीछे। जी बिल्कुल, अभी तक तीसरे राउंड का परिणाम घोषित हो चुका है और तीसरे राउंड के परिणाम में जदयू को अब तक 17,303 वोट मिला है, जबकि राजद प्रत्याशी बीमा भारती जो है वो तीसरे स्थान पर है और उन्हें 7,856 वोट मिला है। लगभग 9,500 राजद प्रत्याशी जदयू प्रत्याशी से पीछे हैं और अगर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की बात करें तो वो दूसरे स्थान पर हैं और वो भी लगातार बढ़त बढ़ा रहे हैं। शंकर सिंह को 12,050 वोट मिला है और वो दूसरे स्थान पर हैं। लगभग 4,300 वोट से अभी जदयू प्रत्याशी आगे बढ़े हुए हैं और वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर बात करें तो ये सीट जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ था, तेजस्वी यादव के लिए प्रतिष्ठा का हुआ था, क्योंकि पप्पू यादव जो कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने बीमा भारती को सपोर्ट किया था और उसके आधार पर बीमा भारती निश्चिंत थी कि उनकी जीत अवश्य होगी। हालांकि अभी 3 राउंड का ही रिजल्ट आया है, 10 राउंड का रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो शुरुआती स्थिति नजर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि आरजेडी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्जिन 9,500 वोट से जदयू और राजद के बीच का मार्जिन हो गया है। ऐसे में राजद काफी पीछे आ गई है और 3 राउंड का रिजल्ट आ चुका है और 3 राउंड का ये रिजल्ट है जिसमें जदयू लगभग 4,300 वोटों से आगे है और दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह लगातार टक्कर दे रहे हैं और राजद प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे स्थान पर है। राजद प्रत्याशी बीमा भारती की अगर बात करें तो बीमा भारती पहले जदयू विधायक थी और लगभग 24 वर्षों से रुसौली की लगातार विधायक है। जेडीयू से छिटकने के बाद जब वो आरजेडी में पहुंची हैं, उसके बाद क्या वो जनता में अपनी पैड नहीं बना पाई, वो मुद्दे नहीं समझा पाई जिनके तहत वो मैदान में उतरी थी, चुनावी मैदान में? बिल्कुल, देखिए जब से वो राजद में आई है, राजद के सीट पर वो लोकसभा चुनाव भी लड़ी तो लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती को मात्र रुपौली सीट से मात्र 10,500 वोट मिला था, जबकि रुपौली उनका गढ़ है, रुपौली से वो लगातार 5 बार से जीतती आ रही है। वो जदयू के टिकट पर 3 बार जीती है, राजद के टिकट पर 1 बार जीती है और बिल्कुल प्रवीण, आप पूरे पूरी जो काउंटिंग चल रही है, मतदान जो मतगणना चल रही है उस पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।